आप सभी का मंगल हो। कल रात्रि में पूज्य पिताजी से एक चर्चा विशेष चली। वैसे तो हर रोज बैठते ही हैं पिताजी के पास में, चर्चा कोई ना कोई चलती रहती है, खासतौर पे धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर। मेन तौर पर जो चर्चा चली वो गीता के 7वें अध्याय में 23वें श्लोक के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जिस देवी देवताओं को जिस ढंग से कामना से भसता है, मैं उसी में उसका मन लगा देता हूँ। जो मुझे भसता है उसका मन मेरे में लगा देता हूँ, लेकिन जो देवी देवताओं को भसता है कामना से, वो उन्हीं को ही प्राप्त होता है। जो मुझे भसता है निष्काम भाव से, वो मुझको प्राप्त होता है, वो अखंड होता है। ये मेरे अंदर थोड़ी दुविधा थी, लेकिन चर्चा चली, बहुत अच्छे ढंग से चली और वो बात एकदम स्पष्ट हो गई। सच बात यह है कि हम देवी देवताओं को एक कामना से, एक इच्छा के हिसाब से भसते हैं। कभी कभी जब वो कामना नहीं पूरी होती तो हमारा मन भी डगमगाने लगता है, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, उस देवी देवता के प्रति। लेकिन यदि अगर हमारी, जो मुझे समझ में आया, मैं वही बात रख रहा हूँ कि यदि अगर हमारी निष्ठा पूर्णतया परमात्मा के प्रति है, भगवान के प्रति है, चलिए मैं तो इसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, अगर आपको जिस देवी देवता में निष्ठा है लेकिन निष्काम भाव से है, तो फिर सारा कार्यभार भगवान के ऊपर है, उस देवी देवता के ऊपर है। वो फिर अपना आप ही चिंता करेगा, अपना आप ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो आपके हित में अच्छा होगा वो करेगा। ये बात मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे भसता है उसको, वो मुझे प्राप्त होता है। जो देवी देवताओं को भसता है देवी देवताओं को प्राप्त होता है, मैं उसका मन उसी में लगा देता हूँ, क्योंकि वो इच्छा से, उसकी इच्छाएँ होती हैं, कामनाएँ होती हैं, उसके हिसाब से भसता है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में, मेरे सभी लेखों में, मैं काफ़ी समय से एक चीज़ का निवेदन कर रहा हूँ, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं करिए, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन कृपया करके गीता का, वैसे तो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी अध्याय आप करिए, फिर भी 7वां अध्याय को जरूर पढ़ें, क्योंकि सबसे छोटा है वो और बहुत सारांश। मेरे को तो एक ही चीज़ समझ में, गीता का सारांश है, अपने अपने भावों की बात है। गीता में 700 श्लोक हैं, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अलग अलग भावार्थ निकलते हैं। तो इसीलिए 7वां अध्याय गीता का जरूर रोज़ पढ़ें, 5-6 मिनट लगते हैं, इससे ऊपर नहीं लगता है। और साथ में 10 मिनट से 15 मिनट कम से कम गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। मैं आपसे नम्र निवेदन के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र कम से कम भी 10 से 15 मिनट, आप 15 मिनट का भी अगर ले लेते हैं तो 5-6 मिनट गीता में लगती, 10 मिनट गायत्री मंत्र, ये तो आप चाहे कोई भी पूजा करते इसमें जोड़ लीजिए, आप नहीं करते तो भी करना चाहिए। ये अपने सनातन वैदिक धर्म का एक सारांश है, एक बहुत गजब की चीज़ है। इससे सभी तरह की, जितने भी तरह के दोष होते हैं, जो भी आपने समझ रखे हैं, सुन रखे हैं, नहीं सुन रखे हैं, सब समाप्त होते हैं, ख़त्म होते हैं धीरे धीरे, और आपके घर के अंदर, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चलती है। और अगर गायत्री मंत्र का हवन छोटा सा रोज़ हो जाए, खुद ही कर लें, कोई भी घर में कर ले, तो सोने में सुहागा है। नहीं तो हर महीने कम से कम भी, या तो कर लें खुद को अगर आता हो, नहीं साधारण तरीके से होता है गायत्री मंत्र, नहीं तो किसी अच्छे विद्वान से करवाना चाहिए, ताकि घर की नेगेटिविटी खत्म हो। आप सभी का मंगल हो। मंगल।